हेलो एंड वेलकम दिस इज डॉक्टर राक्षिती और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे गुड इवनिंग एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाइए ताकि आज का हम सेशन शुरू कर सके आज थोड़ा सा टारगेट ज्यादा है टारगेट ज्यादा ये है कि आज दो चैप्टर्स खत्म करने हैं नौवा अध्याय और फोर्टींथ स्टार्ट करें हम लोग स्टार्ट करें सो so, चैप्टर हमारा क्या है लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट सो यानी कि सजीव और उनके आवास के बारे पढ़ना है बहुत ज्यादा ईजी है फटाफट से कवर करेंगे बिल्कुल बच्चों जैसी चीज है कि फॉरेस्ट क्या है डेजर्ट क्या है वहां पे कैसे जानवर है बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं ठीक है स्टार्ट करें हम लोग ज्वाइन है सारे लोग जुड़ चुके हैं चलिए भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर स्टार्ट कर रहे हैं फिर ओके okay? सबसे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हैबिटेट होता क्या है ओके okay? हैबिटेट क्या होता है तो हैबिटेट आपका घर है आपका आवास है आप जहां पर रहते हो वो आपका हैबिटेट है यानी आपका घर आपका हैबिटेट है अगर मैं इस कैमल इस ऊंट की बात करूं तो इसका हैबिटेट क्या होगा इसका हैबिटेट होगा ये डेजर्ट यानी कि ये मरुस्थल अब जो भी जानवर जिस भी स्थिति में रहता है वहां रहने के लिए उसकी बॉडी कुछ अडेप्टेशन करती है यानी कि कुछ अनुकूलन करती है कहने का ये मतलब है कि आप जहां पर रहते हैं आप उसके आप परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं है कि नहीं अगर आपको पता है कि बाहर ठंड पड़ने वाली है तो आप ऐसे स्लीवलेस कपड़ों में तो निकलेंगे नहीं आप स्वेटर पहन के निकलेंगे शॉल लेकर निकलेंगे है कि नहीं सो तो यही चीज कहलाती है एडैप्टेशन यानी कि अनुकूलन अब इस कैमल इस ऊंट को कहाँ रहना है इसको डेजर्ट में रहना है इसको मरुस्थल में रहना है तो डेजर्ट यानी कि मरुस्थल में रहने के लिए इसके शरीर में कुछ एडैप्टेशन है कुछ अनुकूलन है तो एडैप्टेशन यानी अनुकूलन का क्या मतलब है मतलब वो सारे तरीके जो आपका शरीर आजमाता है जो आपका शरीर आजमाता है आप उस एनवायरनमेंट में यानी कि उस पर्यावरण में रहने के लिए ठीक है ओके चलिए अब देखिए कैमल ऊंट क्या है क्या आप इसकी लंबी लंबी टांगे देख पा रहे हैं यहां पे है ना क्या आप इसके लंबी लंबी टांगे देख पा रहे हैं बिल्कुल देख पा रहे होंगे तो इसकी टांगे क्यों लंबी है इसकी टांगे इसीलिए लंबी है क्योंकि ये चलता किस पर है रेत पर चलता है बालू पर चलता है जो बहुत ज्यादा गर्म रहता है है ना तो उस गर्मी से बचने के लिए कुदरत ने इसको कैसा बनाया है कि इसकी टांगे जो हैं वो लंबी है इसकी टांगे जो हैं वो लंबी है और आपको पता है कि डेजर्ट में क्या होता है वहां पे पानी की कमी होती है है ना मरुस्थल में क्या होता है पानी की कमी होती है तो क्या करता है ये इसको पसीना नहीं आता है ना इसको पसीना नहीं आता क्योंकि आपको पता है जब आपको पसीना आता है तो उससे भी आपके शरीर में वाटर लॉस होता है उसमें भी आपके शरीर से वाटर लॉस होता है तो कैमल को पसीना नहीं आता और ये यूरिन जो निकालता है जो ये मूत्र निकालता है ये भी क्या करता है बहुत ही कम मात्रा में निकालता है ठीक है सो so, यूरिन भी क्या करता है यूरिन भी जो ये निकालता है ये बहुत ही कम मात्रा में निकालता है मैं जब भी नीचे वाला एरो बनाऊ इसका मतलब है कम ठीक है सो ये यस वाटर तो स्टोर करता ही है बट उस स्टोर वाटर के लॉस को भी बचाता है वाटर ताकि क्या हो इसके बॉडी से लूज ना हो उसके लिए भी उसके लिए भी बचाता है जैसे कि ये स्वेट नहीं करता पसीना नहीं आता तो शरीर से पानी नहीं निकलेगा जो सुसू करता है वो बहुत कम सुसू करता है यूरिन बहुत कम निकलता है इसका ओके सो इसकी वजह से पानी कम लॉस होता है यानी कि यूरिन इसका कम निकलता है इसकी टांगे लंबी होती हैं ताकि ये गर्मी से बचे रहे तो ये क्या है ये सारे इसके अडेप्टेशन के तरीके हैं अनुकूलन के ये सारे क्या हैं तरीके हैं ठीक है चलिए भाई मोहित जी की बात मानी जाए सब लोग लाइक करो जल्दी से लाइक करिए अपनी एनर्जी मेरे तक पहुंचाइए अपनी एनर्जी मेरे तक पहुंचाइए फटाफट से और जल्दी से वीडियो को शेयर करिए सबको क्लास में लेके आइए चलिए भाई कैमल की बात हो गई दूसरी तरफ हम बात करते हैं मछली की है ना दूसरी तरफ हम बात करते हैं मछली की तो मछली जो है फिश जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट वो बिल्कुल पानी में रहती है राइट वो कहाँ रहती है बिल्कुल पानी के अंदर रहती है अभी कैमल कहा रहता था बिल्कुल पानी के अभाव में रहता था और ये पानी में रहती है अब आपको पता है इसमें क्या मौजूद है ये जो चीज दिखाई जा रही है वो क्या दिखाई जा रही है इसको आप कहते हैं इंग्लिश में गिल्स कहते हैं हिंदी में गलफड़ा कहते हैं हिंदी में गलफड़ा या गलफड़े कहते हैं है ना ओके okay. अब देखो ये कैसे ये कैसे पानी को पीता है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन जो है ये पानी में डिजॉल्व रहता है ठीक है ये जिस पानी में है उस पानी में इसको ऑक्सीजन कैसे मिलता है तो ऑक्सीजन हमेशा इसी पानी में डिजोल्व रहता है यानी कि इसी पानी में घुला हुआ रहता है ठीक है अब इसके पास जो गिल्स है जो गलफड़े हैं ये क्या करता है इसी पानी से इसी पानी से जो इसमें घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको लेता है ओके इसी से जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वो इससे लेता है ठीक है ओके चलिए क्लियर है ये वाली चीज आगे चलें चलो 6 सेंट की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप लोगों के सवाल मैं समझ रही हूं बट अगर अभी हम लोग अगर अभी हम लोग Uh, उस डिटेल में गए उस डिटेल में गए तो हम अपनी एनसीआरटी नहीं कवर कर पाएंगे ठीक है आप खुद देख रहे हैं आपको खुद पता है कि बायो में थोड़ा सा ऐसे भी हाई लेवल पढ़ाती हूं बट अभी मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूं अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट एनसीआर टी के लिए कर रही हूं क्योंकि मकसद हमारा पहले उस एनसीआर टी को कवर करना है है ना बिल्कुल अथाह सागर है ये आप खुद मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं आपको पता है कि मैं कितने सारे टॉपिक्स पे और किस लेवल की पढ़ाई कराती हूँ और खुद कर चुकी हूं लेकिन अभी थोड़ा सा लेवल को रिस्ट्रिक्टेड रखिए क्योंकि हमको अभी अपनी एन सी आर टी कंप्लीट करनी है तो पहले हम उसको कंप्लीट कर लें धीरे धीरे जब वो बेस बन जाएगा तो उसके बल पर हम चीजों को और आगे ले जा सकेंगे ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पे हैबिटेट जो है दो तरीके का हो सकता है टेरेस्ट्रियल एंड अक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एंड अक्वेटिक टेरेस्ट्रियल यानी कि जलीय और अक्वेटिक यानी कि सॉरी टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय और अक्वेटिक यानी कि जलीय यानी कि पानी में राइट right? यानी कि पानी में सो so, टेरेस्ट्रियल क्या होगा क्या जंगल किसमें आएगा फॉरेस्ट यानी कि जंगल किसमें आएगा जंगल आएगा टेरेस्ट्रियल में है है ना है कि नहीं फॉरेस्ट यानी कि जंगल वन ग्रासलैंड ठीक है ग्रासलैंड में आएगा फॉरेस्ट में आएगा है कि नहीं सो so, ये सारी चीजें ये सारी चीजें किस में आएंगी टेरेस्ट्रियल में आएंगी अक्वेटिक में क्या आएगा आपकी नदी नाले तालाब झरने ठीक है सब चीज किस में आएगी अक्वेटिक में आएगी सो so, हैबिटेट यानी आवास अभी फिलहाल के लिए दो तरीके के हैं आपके एक जल वाले और एक दूसरे कौन से पानी वाले है ना जल वाले और पानी वाले ठीक है ओके आगे चले हम लोग आगे चला जाए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें तो आपको मैंने क्या बोला जंगल आ जाएंगे है ना फॉरेस्ट यानी कि जंगल ग्रासलैंड यहाँ पे क्या होगा घास होगा घास वन इसको बोल देंगे बहुत सारा घास होगा डेजर्ट को क्या बोल देंगे डेजर्ट को क्या बोल देंगे भाई मरुस्थल बोल देंगे नहीं ये सारे क्या हैं? टेरेस्ट्रियल हैं ये सारे आपके टेरेस्ट्रियल हैं। इसके अलावा इसके अलावा जो आपके माउंटेन्स हैं जो आपके माउंटेन्स हैं यानी पर्वतीय जो क्षेत्र हैं। माउंटेन्स हो गए कोस्टल एरियाज जो तटीय जगह हैं कोस्टल एरियाज जो आपके तटीय तटीय इलाके हैं माउंटेन्स यानी कि पहाड़ ये सब किस में आ जाएंगे ये सब किस में आएंगे ये सब आएंगे टेरेस्ट्रियल में टेरेस्ट्रियल में यानी कि स्थलीय में ठीक है स्थलीय में फिर आएगा फिर आएगा जलीय ये आपको क्या दिख रहा है पॉन्ड राइट right? तो जो भी पानी की चीज है वो किस में आएगी वो सब आएगी जलीय में ठीक है हाँ तो ये सब सी हो गया ठीक है सी यानी कि समुद्र अच्छा क्या आपको पता है सॉल्ट वाटर एंड मरीन वाटर में क्या डिफरेंस है सॉरी मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर मरीन वाटर अगर मैं कहूं और फ्रेश वाटर कहूं तो क्या आप में से कोई मुझे इन दोनों के बीच अंतर बता सकता है मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर क्या इन दोनों के बीच कोई अंतर है क्या इन दोनों के बीच कोई अंतर है जल्दी जल्दी बताइए और जल्दी से लाइक करते रहिए अपनी एनर्जी मेरे तक पहुंचाते रहिए बार बार नहीं बोलूंगी मैं बार बार बोलना पड़ता है मुझे हम्म यस जल्दी जल्दी बताइए सॉल्ट वाटर सी में मिलता है मरीन में हां देखिए मरीन वाटर यानी कि सॉल्ट वाटर ये कहां पर मिलता है ये कहां पर मिलता है खारा पानी जिसको आप कहते हैं ये कहाँ पर मिलता है ये आपको मिलता है सी में यानी कि समुद्र में राइट तो सी वाटर को ही हम क्या कहते हैं मरीन वाटर कहते हैं और जो खारा पानी नहीं है तालाब का पानी और बाकी चीजें वो किस में आएगा वो आएगा फ्रेश वाटर ठीक है वो किस में आएगा वो आएगा फ्रेश वाटर में ठीक है क्या आप सॉल्ट वाटर पी सकते हो क्या आप सॉल्ट वाटर पी सकते हो नहीं आपको बहुत ज्यादा नमकीन लगेगा तो सॉल्ट वाटर आप नहीं पी सकते ठीक है चलिए सिंपल सिंपल सी चीजें तभी इसको भगा रही चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है ठीक है अब आपका जो क्या है आपका जो, क्या है? आपका जो आवास क्षेत्र है वहां पे आपके दो वहां पे आपके दो फैक्टर्स होंगे ठीक है वहां पे आपके दो फैक्टर्स यानी कि दो कारक होंगे कौन कौन से एक फैक्टर कहलाता है बायोटिक फैक्टर और दूसरा क्या कहलाता है ए बायोटिक फैक्टर ठीक है बायोटिक का मतलब क्या है जैविक कारक ओके जैविक कारक राइट सो so, बायोटिक फैक्टर को हम हिंदी में क्या कह देते हैं जैविक कारक जैविक कारक और ए बायोटिक को क्या कह देते हैं जो भी आपके मृत कारक हैं चलिए सो so, हमारे आसपास जैविक कारक में क्या आएगा जैविक कारक में क्या क्या चीजें आएंगी बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आएंगी सो so, बायोटिक फैक्टर्स में दो चीजें आने वाली है ठीक है कौन कौन से बायोटिक मतलब लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी आपके पास पौधे हैं और जितने भी जंतु हैं वो सब किस में आएगा वो सब किस में आएगा बताइए वो सब किस में आएगा वो आएगा बायोटिक फैक्टर्स यानी कि जैविक कारक में जैविक कारक में आएगा और ए बायोटिक फैक्टर में क्या आएगा अजैविक कारक में क्या क्या आएगा क्या आएगा सॉइल यानी कि मिट्टी एयर यानी हवा वॉटर यानी कि पानी सनलाइट यानी कि रोशनी है कि नहीं ये सारी चीजें टेम्परेचर यानी कि तापमान ठीक है ये सब आएगा टेम्परेचर यानी तापमान ये सारी चीजें किसमें आएंगी अजैविक कारक में आएगा सॉइल यानी मिट्टी या मृदा एयर यानी कि हवा वाटर यानी पानी सनलाइट सूर्य ठीक है ये सारी चीजें किसमें आएंगी ए बायोटिक में आएगा सो so, आपके आसपास दो फैक्टर्स होते हैं बायोटिक एंड ए बायोटिक ठीक है पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का ये सवाल आपको पूछा हुआ है कि आपके पारिस्थितिक तंत्र में आपके इकोसिस्टम में कौन से दो फैक्टर्स होते हैं कौन से दो कारक होते हैं तो क्या लिखोगे बायोटिक एंड ए बायोटिक जैविक और मृत ये दो कारक होते हैं ये दो फैक्टर्स होते हैं ठीक है ओके डन आगे चले हम लोग यहां तक समझ में आ गई है बात अब डेजर्ट्स पे आते हैं डेजर्ट्स हिंदी में क्या लिखते हो इसको मरुस्थल लिखते हो मरुस्थल लिखते हो Yup. अब डेजर्ट में क्या होता है डेजर्ट में जितने भी प्लांट्स हैं जितने भी जानवर हैं उनकी बॉडी क्या होगी उनकी बॉडी अडेप्टेशन करेगी उनकी बॉडी क्या होगी उनकी उनका जो शरीर होगा उसमें अनुकूलन होगा उस स्थिति में रहने के लिए है ना उस स्थिति में रहने के लिए अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन करेगा उनका शरीर अब क्या क्या अडेप्टेशन है थोड़ा सा जान ले देखो यहाँ पे अरे एक सेकेंड यहां पे आपको क्या दिख रहा है चूहे और सांप चूहे और सांप जो है आपको दिख रहा है जमीन के नीचे जमीन के नीचे क्या है अपना घर बना के रह रहे हैं है ना चूहे और सांप जो है जमीन के नीचे अपना घर इस तरह से बनाकर रह रहे हैं ठीक है और आपको पता है कि डेजर्ट्स में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात क्या है रात क्या है रात में वहां पे तापमान ठंडा हो जाता है तो ये दिन में तो इसमें छुप जाएंगे है ना बिल बनाते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग बरो कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी में बिल कहते हैं तो कुछ जानवर जो हैं वो डेजर्ट्स यानी मरुस्थल में बिल बनाकर इनमें छुपे रहेंगे और क्या होगा जैसे ही शाम होगी या रात होगी ये इस बिल से बाहर आएंगे ये इनका तरीका है गर्मी से बचने का ठीक है ये इनका तरीका है किस चीज से बचने का गर्मी से बचने का ये इनका नायाब तरीका है भाई ठीक ओके क्लियर हो गया ये क्या दिख रहा है आपको कैक्टस राइट right? ये तो सबको पता है कैक्टस और डेजर्ट के जितने भी प्लांट्स हैं मरुस्थल में रहने वाले जितने भी पौधे हैं उनमें क्या होगा क्या उनमें पत्ते बहुत बड़े बड़े होंगे मुझे एक बात बताइए कि क्या डेजर्ट्स में जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर करिएगा डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल में रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं क्या उनके क्या उनके पत्ते बिल्कुल क्या होंगे बिल्कुल हरे भरे होंगे क्या वो बिल्कुल फैले हुए होंगे जल्दी जल्दी बताइए हम्म बहुत, बहुत बहुत जल्दी बताइए हम्म जल्दी बताओ नहीं ना नहीं बिल्कुल सही ये जो आप देख रहे हो ये एक कैक्टस है है ना ये आप जो देख रहे हो ये एक कैक्टस है ठीक है और आप देख रहे हो इसके पास ये कांटे हैं है ना ये कांटे हैं ठीक है ये कांटे पता है क्या है ये अस, असल में इसके पत्ते हैं कैक्टस में जो आप कांटे देखते हो ये असल में इसके पत्ते होते हैं और ये पत्ते क्या होते हैं ये पत्ते सिकुड़ जाते हैं ये अपना सतह क्षेत्र कम कर लेते हैं क्यों क्योंकि अगर पत्ते इस तरह से रहे इस तरह से रहे तो क्या होगा इनमें वाटर लॉस होगा आपको मैंने बता दिया था कि जब पत्तों से पानी निकलता है तो वो क्या कहलाता है जब पत्तों से पानी वाटर वेपर के रूप में जब पत्तों से जल जल वाष्प के रूप में निकलता है तो वो क्या कहलाता है दैट इज नोन एज कहते हैं हिंदी में उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं अगर आपको याद हो तो, तो अगर ये पत्ते बिल्कुल ऐसे फैले रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन से यानी कि वाष्पोत्सर्जन से बहुत ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा इसीलिए क्या होते हैं इसीलिए ये ऐसे सिकुड़े हुए रहते हैं ताकि क्या हो ट्रांसपीरेशन ना हो और पानी का लॉस नहीं हो इसीलिए आपको जो ये कांटे दिखते हैं कैक्टस में ये असल में इसके पत्ते हैं ठीक है और आपको जान के ये हैरानी होगी कि यहां पर कैक्टस में आपको पता है पोटोसिंथसिस कौन करता है एक सेकेंड कैक्टस में फोटोसिंथेसिस स्टेम के द्वारा होता है कैक्टस में जो फोटोसिंथेसिस है कैक्टस में जो फोटोसिंथेसिस है जो प्रकाश संश्लेषण है वो पता है कौन करता है वो स्टेम करता है ठीक है सो so, कैक्टस में जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम करता है ठीक है यानी कि तना करता है इसमें प्रकाश संश्लेषण इस पॉइंट को नोट किया जाए ठीक है सो so, इसमें आपको जो कांटे दिखते हैं वो असल में इसके लीव्स होते हैं और इसका जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन करता है स्टेम करता है ठीक है चीजें क्लियर हुई आपको चीजें क्लियर हुई आपको चलिए फिर आ जाइए माउंटेन यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ों पर बड़े बड़े पहाड़ों पे आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं और जो उनके पत्ते होते हैं उनके पत्ते कैसे होते हैं है ना उनके पत्ते कैसे होते हैं हाँ बताइए उनके पत्ते कैसे होते हैं हम्म जल्दी जल्दी बताइए कैसे पत्ते होते हैं इनके इनके पत्ते होते हैं नीडल शेप्ड बिल्कुल सुई की तरह इनके पत्ते बिल्कुल नीडल शेप्ड होते हैं यानी कि सुई की तरह इनके पत्ते मौजूद हैं। यस पॉइंट टू बी नोटेड बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड तो इनके पत्ते जो होते हैं बिल्कुल इस तरह से सुई की तरह पतले होते हैं और एक और आप चीज देखेंगे क्यों होते हैं इसका एक रीजन है सुई की तरह बिल्कुल पतले होते हैं और ऐसे झुके हुए होते हैं ओके सुई की तरह पतले होते हैं और इस तरह से नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं तो इनके पत्ते नीडल शेप्ड होते हैं यानी कि सुई की तरह होते हैं और इस तरह से नीचे झुके हुए रहते हैं क्यों क्योंकि ये जहां पर रहते हैं वहां पर बर्फबारी होती है स्नोफॉल होता है ताकि सारा स्नो जो बर्फबारी हो रही है वो सब कुछ क्या हो वो नीचे की तरफ क्या हो वो नीचे की तरफ चला जाए इनके पत्तों पर अटक कर ना रहे इसीलिए इनके पत्ते क्या होते हैं बहुत पतले नीडल की तरह सुई की तरह होते हैं और नीचे झुके हुए रहते हैं ठीक है नीचे झुके हुए रहते हैं क्लियर है ये वाली बात ये वाली बात क्लियर हो गई आपको ये स्नो के कारण वेरी गुड सचिन स्नो के कारण एनसीआर सामने खुली होगी तो आपको ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी हम्म सो so, अब हम बात करेंगे जो पहाड़ों पे जो जानवर होते हैं उनके बारे बात करेंगे ठीक है अब जो पहाड़ों पर जानवर है आप क्या होता है उनके पास क्या होगा उनके शरीर में फर लगे हुए होते हैं जो उनको ठंड से बचाने का काम करता है जो उनको ठंड से बचाने का काम करता है ठीक है ये आपको क्या दिख रहा है दिस इज नोन एज स्नो लेपर्ड दिस इज नोन एज स्नो लेपर्ड पहाड़ी तेंदुआ कहते हैं इसको इसको क्या कहते हैं पहाड़ी तेंदुआ कहा जाता है ओके पहाड़ी तेंदुआ कहा जाता है पहाड़ी तेंदुआ सो स्नो लेपर्ड यानी कि पहाड़ी तेंदुआ नेक्स्ट आइए नेक्स्ट आइए ये क्या है गोट है बकरी है ठीक है जो कि वहीं पर मिलती है जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर मिलती है और ये क्या है इसको याक कहा जाता है इसको याक कहा जाता है तो अगर आप देखेंगे कि जो भी जो भी पहाड़ी जगहों पर रहते हैं जो भी पहाड़ी जगहों पर रहते हैं उनके शरीर में क्या होते हैं बहुत सारे फर लगे हुए होते हैं ठीक है जो उनको क्या करता है जो उनको ठंड से बचा कर रखता है सो तो ये क्या है ये सारी तरीके क्या हैं? ये सारे तरीके जो हैं ये अडेप्टेशन है यानी कि अनुकूलन है सो तो ये सारे तरीके अडेप्टन अनुकूलन है ताकि ये जानवर बहुत ही ऐसी स्थिति में क्या करें सर्वाइव कर जाए योग नहीं ठीक है, योक नहीं याक ठीक है ओके क्लियर है डन है यहां तक यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको ये गोट है बकरी है ये एनसीआरटी में आपकी दी हुई है ये सारे पिक्चर्स आपके वहीं से दिए हुए हैं आगे चले ग्रासलैंड ठीक है यानी जब वहां पर जहां पे बहुत बड़े बड़े घास होते हैं वहां पर आपको मिलते हैं जैसे कि शेर और हिरण शेर और हिरण अब देखिए शेर शेर की आंखें बिल्कुल आंखों के सामने होती है है ना चेहरे के सामने होती है शेर की जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल ऐसे सामने होती है ओके ये देखिए ये एक शेर है और ये क्या है ये इसकी आंखें हैं ये इसकी आंखें हैं तो इसकी जो आंखें होती हैं वो सामने होती है ताकि क्या हो ताकि इसको अपना शिकार बहुत स्पष्ट तरीके से नजर आ सके है ना ताकि इसको अपना शिकार बहुत स्पष्ट तरीके से नजर आ सके ठीक है अब ये क्या है ये डियर है है ना हिरण है हिरण की जो आंखें हैं आप देख सकते हैं ये साइड लगी होती हैं है ना ये क्या लगी होती है साइड लगी होती हैं इसकी आंखें इसका भी एक कारण है ठीक है इसका ये कारण है चूंकि इसको आमतौर पे ये शिकारी होता है ना, आपको दो वर्ड्स पता होने चाहिए शिकारी और शिकार शिकारी को क्या कहते हैं हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं प्री डेटर और इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रे ये दो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए प्री डेटर किसको कहते हैं प्री डेटर किसको कहते हैं प्री डेटर हम कहते हैं शिकारी को ओके एंड प्री किसको कहते हैं प्री हम कहते हैं प्रे सॉरी प्रे प्रे हम किसको कहते हैं शिकार को कहते हैं जिसका जिसका शिकार किया जाता है अब इसको क्या करना है इसको अब बचना है इसको खुद को बचाना है तो ये खुद को कैसे बचाएगा है ना तो नेचर ने इसको क्या दिया है नेचर ने इसको आंखें साइड की तरफ दी है ताकि ये हर दिशा से देख सके कि मेरे पे कहां पे अटैक हो रहा है ताकि ये हर दिशा से देख सके कि मेरे से मेरे पे अटैक कहां से हो रहा है ये करने के लिए इसके पास आंखें जो हैं वो साइड में दी हुई है इसकी कान इसकी कान लंबी होती है इसकी कान भी लंबी होती है ताकि इसको शिकारी के पैरों की आवाज सुनाई दे सके इसको समझ आ जाए कि मेरे आसपास शिकार है ये बहुत तेजी से दौड़ता है बहुत तेजी से दौड़ता है ताकि ये भाग सके खुद को बचा सके और इसके दांत बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि घास खाता है ना ग्रासलैंड में रहेगा घासवन में रहेगा तो घास खाएगा ना तो उसके लिए इसके दांत मजबूत होते हैं तो ये सारे इसके तरीके हैं ठीक है शेर जो है शेर जो है क्या है भाई इसकी आंखें बिल्कुल सीधी हैं, इसकी आंखें बिल्कुल सीधी है ताकि ये सीधे क्या कर सके अपने शिकार को देख सके ये रहे तुम मेरे सामने ठीक है सो इस वजह से इसकी आंखें बिल्कुल इधर है इसके शरीर के रंग के कारण ये घास के पीछे छुप जाता है ठीक है ये घास के पीछे छुप जाता है ताकि ये नजर ना आए ताकि ये शिकारी को नजर ना आए और ये सीधे जाकर उस पर अटैक कर पाए तो जो भी जिसका रोल है जो भी जिसका रोल है वो हर तरह से प्रकृति ने उसको क्या रखा है बिल्कुल फिट रखा है ठीक है अब आ जाइए ओशन में अब आ जाइए किस में ओशन में यानी समुद्र में डॉल्फिन के बारे आपको पता होगा डॉल्फिन आमतौर पर रहती अंदर है पानी के जब वो ऊपर आती हैं तो ऊपर क्यों आती हैं वो ऊपर आती हैं ऑक्सीजन लेने है ना ऊपर आती है वो सांस लेने श्वसन के लिए ऊपर आती है और वहां उनके पास मौजूद होते हैं ब्लो होल क्या मौजूद होते हैं ब्लो होल ये जो आप छोटा सा छिद्र देख रहे हैं अगर मैं इसको ज़ूम करूं अगर मैं इसको 1 सेकंड अगर मैं इसको जूम करूं एक सेकेंड हाँ अगर आप देख सकते हैं इस छिद्र की बात कर रही हूं मैं है है ना पे भी दिया हुआ है, तो अगर इसको हम ज़ूम करें तो ये जो छेद आपको दिख रहा है क्या है इससे पानी निकलता है इससे जो पानी है वो बाहर निकलता है ब्लो होल तो ये सांस लेने के लिए हमेशा पानी के ऊपर आता है ठीक है इसके बाद पॉन्ड्स एंड लेक्स में कुछ आपके प्लांट्स भी अक्वेटिक है, है ना कुछ आपके प्लांट्स भी क्या है अक्वेटिक हैं, यानी कि जलीय हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब हमने आपको प्लांट पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में तो बताया था जड़ का क्या काम है है ना जड़ का क्या काम है जड़ का काम ये था जड़ का काम था कि वो सारे वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है ठीक है जड़ का काम था कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को अब्जॉर्ब करता है यानी अवशोषित करता है ठीक है किसमें जब वो प्लांट जमीन पर था जब वो प्लांट टेरेस्ट्रियल था लेकिन जब वो प्लांट अक्वेटिक है जब वो प्लांट अक्वेटिक है यानी कि जलीय है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है कि उसके रूट्स उसके जो जड़ है वो भी पानी में होंगे प्लांट ही अक्वेटिक है मतलब सारा जो उसका क्या है जो जड़ है वो किसमें होगा वो पानी के अंदर होगा ठीक है तो जब वो पानी के अंदर होता है तो उसका मेन काम हो जाता है उस प्लांट को सपोर्ट करना उस प्लांट को सपोर्ट करना ठीक है सो तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में रूट का अलग फंक्शन है अक्वेटिक प्लांट में रूट का अलग फंक्शन है जो आपके स्थलीय पौधे होते हैं उसमें रूट होता है पौधे में क्या वॉटर और मिनरल्स भेजने के लिए जबकि अक्वेटिक में क्या करता है वो सपोर्ट करता है ठीक है वो जो अक्वेटिक प्लांट है जो पौधा जो जल में है उसको सपोर्ट करने का काम करता है ठीक है और डेजर्ट की मैं अगर आपको बात बताऊं जड़ के बारे तो डेजर्ट के जितने भी प्लांट्स है ना जितने भी प्लांट्स डेजर्ट के हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है यहाँ पे रूट की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं जो भी डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं ना डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं उनकी रूट्स उनकी जो जड़े होती हैं वो जड़े बहुत ज्यादा गहरी होती हैं ठीक है क्लियर हो गया यहां पे तक बात समझ में आ गई बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं यहां तक डन है जल्दी बताइए ब्लो हॉर्न उस छोटे से छेद को कहते हैं अनिरुद्ध ठीक है हम्म जल्दी जल्दी बताइए हो गया आगे चले हम लोग अब चैप्टर का दूसरा पार्ट कहता है आपको चैप्टर का दूसरा हिस्सा कहता है कि आप लिविंग किसको कहते हैं आप सजीव किसको कहते हैं ठीक है लिविंग कौन है सजीव कौन है तो कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके बेसिस पे आप कहते हैं कि वो लिविंग है यानी कि वो क्या है वो सजीव है ठीक है वो गुण क्या क्या है एक तो गुण है ग्रोथ यानी कि वृद्धि आपको पता है हम सब कहीं ना कहीं बचपन में ऐसे ही थे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं कोई स्ट्रेस नहीं कोई एनसीआर नहीं पढ़ना कोई पीसीएस नहीं देना सब क्या थे बिल्कुल मस्त थे बिल्कुल इस बच्चे की तरह धीरे धीरे क्या हो गया उम्र बढ़ती गई और खुशी कम होती गई है ना सबके साथ यही हुआ चलिए ये तो सारी फिलोसफिकल बात है मेन बात है कि जो ग्रोथ है जो वृद्धि है वो किसमें होती है ग्रोथ यानी कि वृद्धि लिविंग में होती है यानी सजीव में होती है अब मुझे एक बात बताइए क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं है मैंने कहा कि ग्रोथ एक गुण है लिविंग का यानी कि सजीव का तो क्या तो क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होगा क्या नॉन लिविंग यानी कि जो निर्जीव है उनमें ग्रोथ नहीं होगा अगर आप कहोगे कि उनमें ग्रोथ नहीं है तो एक रेत का रेत का जो छोटा सा पहाड़ है क्या वो साइज में नहीं बढ़ जाता क्या वो साइज में नहीं बढ़ जाता तो उसको ग्रोथ नहीं बोलोगे क्या उसको ग्रोथ नहीं बोलोगे है ना तो देखिए असल में मैं आपको बताऊं तो ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में है ठीक है नॉन लिविंग में भी ग्रोथ है अगर रेत का आप एक पहाड़ देखेंगे तो धीरे 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 क्या होगा धीरे 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 जब उसमें मिट्टी भरी जाएगी तो वो बड़ा हो जाएगा कहने का मतलब ये है कि हमारे में ग्रोथ क्या होती है हमारे में हमारी ग्रोथ जो होती है वो इंटरनल ग्रोथ है ठीक है इंटरनल ग्रोथ से क्या मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर सेल्स होती हैं यानि कि कोशिकाएं होती हैं ओके हमारे शरीर के अंदर सेल्स यानी कि कोशिकाएं होती हैं और जब वो कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है सेल डिविजन होता है तब हम बढ़ जाते हैं तब हम क्या करते हैं तब हम बढ़ जाते हैं ठीक है तब हमारा ग्रोथ होता है तब हमारी वृद्धि होती है तो हम यह कह सकते हैं कि इंटरनल ग्रोथ यानी कि ग्रोथ वृद्धि जब अंदर से हो जब इंटरनल ग्रोथ हो तभी हम कहेंगे कि कोई क्या है कोई सजीव है ओके कोई सजीव है अगर ऊपर से ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर मैल जमा होते गया और आप साइज में बड़े हो गए है ना? तो जब भी भी कोई चीज बाहर से जमा हो रही है इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिविंग में है वो लिविंग है ठीक so, है लेकिन इंटरनल ग्रोथ किसमें होता है इंटरनल ग्रोथ होता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ठीक है इंटरनल ग्रोथ किसमें होता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग में इंटरनल ग्रोथ होता है एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकता है नॉन लिविंग में लेकिन इंटरनल ग्रोथ जो आंतरिक वृद्धि है वो सिर्फ किस में होगी सिर्फ लिविंग में होगी क्लियर हो गई ये बात आगे चलिए ये देख रहे हैं क्या है आपने इसको देखा होगा टच मी नॉट इसको कहते हैं या इसका एक और नाम है मिमोसा पुडिका इसका एक और नाम है मिमोसा पुडिका टच मी नॉट इसको कहते हैं ठीक है इसको नाम क्या देते हैं Touch मी नॉट जब भी भी इसको छुआ जाता है जब भी भी इसको छुआ जाता है तो इसके पत्ते क्या होते हैं सिकुड़ जाते हैं अगर आप सोचिए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और मैं आऊं और आपके कान खींच के चली जाऊं तो क्या आप बस ऐसे दीवार की तरफ देखते रहोगे ये आपका कोई रिएक्शन होगा अरे ये क्या हुआ है ना रिएक्शन होगा तो हर लिविंग का जो भी सजीव है उसका क्या होता है उसका एक क्या होता है रिएक्शन होता है जब भी आपके पर्यावरण में कोई बदलाव होता है कोई चेंज होता है तो आपका आप उसमें रिएक्शन देते हैं है ना आपके सामने से कोई किसी को मार के चला जाएगा या आपको कोई चाटा मारते हुए चला गया तो ऐसे तो नहीं देखते रहोगे कुछ रिएक्ट तो करोगे है ना यहाँ पे आप देख रहे हो प्लांट्स के साथ प्लांट्स को भी जब छुआ जा रहा है तो वो क्या कर रहे हैं रिएक्ट कर रहे हैं मतलब प्लांट्स भी लिविंग है So, चीज कहलाती है रिस्पॉन्स टू स्टीम्यूलाई स्टीम्यूलाई शब्द का मतलब क्या है स्टीम्यूलाई शब्द का मतलब है कोई भी बदलाव आपके आसपास कोई भी बदलाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको उसको रिस्पोंड करते हो है ना आप उसको रिस्पोंड करते हो आप कहते हो हाँ कॉकरोच कॉकरोच की आदत होती है रात में निकलने की किचन में कॉकरोच जो है किचन में जो कॉकरोच है वो घूमता रहता है लेकिन आप जैसे ही किचन की लाइट ऑन करोगे तो वो कॉकरोच कहीं छुप जाएगा इसका मतलब उसके पास भी सेंसेस हैं, उसको पता है है ना इसका मतलब वो भी लिविंग है वो भी लिविंग है ठीक है डन क्लियर हो गई ये वाली चीज तो ये तब हम जो गुण पढ़ रहे हैं किसके पढ़ रहे हैं लिविंग के पढ़ रहे हैं सजीव के पढ़ रहे हैं और क्या गुण होंगे लिविंग के एक दो और अगर हम गुण की बात करें लिविंग के तो और क्या गुण होंगे रेस्पिरेशन श्वसन जो भी लिविंग है जो भी सजीव है वो सांस ले रहा है है ना है कि नहीं जो भी लिविंग है जो भी सजीव है वो सांस ले रहा है आपके पास सांस लेने के लिए आपके लंग्स मौजूद हैं आपके फेफड़े मौजूद हैं है, है कि नहीं मछली के पास गलफड़े हैं गिल्स हैं पौधों के पास क्या है पौधों के पास क्या है कौन बताएगा पौधों के पास क्या है प्लांट्स के पास क्या है मैं आपको बता चुकी हूं प्लांट्स के पास क्या है प्लांट्स के पास स्टोमेटा है यानी कि रंध्र है ठीक है प्लांट्स के पास क्या है प्लांट्स के पास स्टोमेटा है यानी कि रंध्र है ठीक है ओके सो इस स्टोमेटा से क्या होता है इस स्टोमेटा से गैसों की अदला बदली होती है इस स्टोमेटा से गैसों की अदला बदली होती है सो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन हर लिविंग का गुण है हर सजीव का गुण है ठीक है इसके अलावा इसके अलावा रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन है कि नहीं रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन प्रजनन भी तो करता है जो भी सजीव है वो क्या करता है वो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन भी तो करता है अपनी जो जेनरेशन है उसको आगे भी तो बढ़ाता है, है कि नहीं आप देखते हो सीड्स मौजूद होते हैं बीज मौजूद होते हैं राइट सो so, उसके द्वारा भी क्या होता है प्रजनन होता है है ना? So, ये सब तरीके हैं प्रजनन करने के ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस में एनिमल्स में प्रजनन होता है पौधों में भी प्रजनन होता है सो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन भी लिविंग का एक गुण है लिविंग का एक गुण है ठीक और क्या गुण हो जाएंगे लिविंग के सजीव के और क्या गुण हो जाएंगे ओके इसके अलावा एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन जो भी शरीर में बचा खुचा है उसको बाहर निकालना है ना जो भी शरीर में बचा खुचा है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है कहलाता है यानी उत्सर्जन कहलाता है एक्सक्रीशन कहलाता है यानी उत्सर्जन कहलाता है ना जो सजीव है वो मूवमेंट करता है जो सजीव है वो क्या करता मूवमेंट करता है चलता है ठीक है मूवमेंट करता है यानी कि चलता है तो ये सब किस्में हैं ये सब किस्में हैं ये सब सजीव के गुण हैं ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं लिविंग के हैं यानी कि सजीव के हैं ओके क्लियर है यहां तक सिंपल सी बात चलिए हम्म चलो तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है चैप्टर में ऐसा कुछ भी आपको खास था नहीं जिसपे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत पड़े ऐसी इसमें कोई भी बात नहीं थी ठीक है बहुत सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी चीजें थी यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता और अब है और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एनसीआर का चैप्टर नंबर फोर्टीन यानी कि वाटर ये उससे भी आसान चैप्टर ठीक है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फोर्टीन वाटर ये जो है उससे भी ज्यादा आसान चैप्टर है ठीक है बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि वाटर जो है वाटर जो है क्या है एच टू ओ एच ओ है है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है ये वाटर ठीक है ये क्या है आपकी पृथ्वी है आपकी पृथ्वी है सो so, इस पृथ्वी का टू थर्ड टू थर्ड ऑफ अर्थ सरफेस धरती पृथ्वी का दो तिहाई भाग जो होता है वो पानी से कवर्ड होता है ठीक है तो यहां पर जो एमसीक्यू आपके लिए आ सकता है कोई ऐसा पॉइंट जो आपके लिए आ सकता है वो है वाटर कितना होता है सो टू थर्ड ऑफ अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस पूरे पृथ्वी का दो तिहाई हिस्सा पानी से ढका हुआ रहता है ठीक है ओके बस सिंपल सी बात है बहुत आसान है बोला ना मैंने बच्चों जैसी चीज है मतलब आपको पढ़ के लगा कि ये क्यों ही पढ़ चुकी हमें एनसीईआरटी पढ़नी है ये चीजें जाननी जरूरी हैं तो हम लोग पढ़ेंगे 9 से इसीलिए आभास क्योंकि बीच में कुछ चैप्टर्स आपके फिजिक्स के हैं है ना कुछ चैप्टर्स आपके फिजिक्स के हैं केमिस्ट्री के हैं इसलिए नाइन से हम फोर्टीन चले गए एक्चुअली हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मूव कर रहे हैं इसीलिए ठीक है आभास क्लियर हो गया चलो अब देखो यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको एक दो प्रोसेसेस बताऊंगी देखो सबसे पहले देखो तो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन इवेपोरेशन क्या होता है इवेपोरेशन कैसे समझोगे घर में कपड़े धुलते हैं और कपड़ों को सुखा दिया जाता है तार पे डाल दिया जाता है थोड़ी देर में वो कपड़े सूख जाते हैं यानी वो पानी इवेपोरेट हो गया यानी वो पानी क्या हो गया इवेपोरेट हो गया ठीक है अगर आप पानी गिरा भी दो जमीन पे तो थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ही सूख जाता है चाहे आप भले पोछा ना लगाओ फिर भी वो पानी अपने आप सूख जाता है क्यों क्योंकि ट्रांसपिरेशन मैंने आपको समझाया था क्या समझाया था मैंने आपको ट्रांसपीरेशन समझाया था जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं वाश सर्जन के नाम से जानते हैं है। हिंदी में आप उसको कहते हैं वाशपोत सर्जन ओके ये क्या होता है ट्रांसपीरेशन क्या होता है ट्रांसपीरेशन का सिंपल मतलब है कि जो पानी पौधे के लिए एक्सेस हो जाता है जो पानी पौधे के लिए एक्सेस हो जाता है ज्यादा हो जाता है वो पानी क्या होता है वो इवेपोरेट कर जाता है है ना यानी वाटर का किसमें बदल जाना वाटर का बदल जाना वाटर वेपर में वाटर का बदल जाना वाटर वेपर में यानी कि जल वाष्प में क्या कहलाता है ट्रांसपीरेशन कहलाता है यानी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है है ना पौधे के पास एक्सेस पानी है वो पानी पत्तों में जो स्टोमेटा है उसके माध्यम से क्या होता है वाटर वेपर में बदलकर ऊपर चला जाता है सो so, यही प्रक्रिया ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है सो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर या जल का जल वाष्प में बदलना ठीक है अब ये दोनों तरीके हैं इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन तो पहला इवेपोरेशन और दूसरा पौधों में ट्रांसपिरेशन हर जगह इवेपोरेशन पौधों में ट्रांसपिरेशन सो so, इन दोनों चीजों से क्या होगा इन दोनों चीजों से क्या होगा इन दोनों चीजों से पानी जो होगा वो वाटर वेपर के फॉर्म में आपके एनवायरनमेंट में चला जाएगा ठीक है अब जैसे जैसे आपको पता है ये बात कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में कमी हो जाती है है ना हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तभी तो लोग हिल स्टेशन जाते हैं समर्स में गर्मी में क्यों क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में कमी हो जाती है तो जैसे ही तापमान में कमी होती है तो वाटर वेपर वाटर वेपर क्या होगा वाटर वेपर कंडेंस होके क्या बना देगा वाटर ड्रॉपलेट्स बना देगा यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड में यहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो जाएगा तो ब्लैंक स्लाइड में लिखूंगी इसको ठीक है जैसे जैसे वाटर ऊपर जाता है तो वो ये रहा वाटर वेपर वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प जल वाष्प जैसे जैसे ऊपर जाएगा यानी इसको क्या मिलेगा इसको तापमान की कमी मिलेगी है ना इसको तापमान की कमी होती जाएगी इसमें राइट तो तापमान की कमी के कारण ये वाटर वेपर बदल जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स में, में बदल जाएगा जिसको हिंदी में हम कहते हैं जल कणिकाएं जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं जल कणिकाओं के नाम से जानते हैं तो वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि जल किस में बदल जाएगा जल जल वाष्प में बदल जाएगा जल कणिकाओं में बदल जाएगा किसके कारण टेम्परेचर कम होने के कारण ठीक है अब सारे वाटर ड्रॉपलेट्स सारे वाटर ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे मिलेंगे जो आप क्लाउड देखते हो जो बादल देखते हो वो इसी प्रक्रिया से बनता है है ना जो आप क्लाउड जो आप बादल देखते हो उनमें क्या होता है उनमें यही प्रक्रिया होती है जिसको कंडेंसेशन कहा जाता है जिसको क्या कहा जाता है कंडेंसेशन कहा जाता है जिसमें कि जल वाष्प छोटे छोटे जल के बूंदों में या जल कणिकाओं में क्या होता है बदल जाता है ठीक है ये कहां पे हो रहा है? क्लाउड्स में हो रहा है यानी बादलों में हो रहा है ठीक है छोटे 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 जब जल कणिकाएं जब वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलेंगी तो वो क्या होगा वो क्लाउड हैवी हो जाएगा खुद सोचो ये एक क्लाउड है ये एक बादल है यहां पे बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स मिल रहे हैं तो क्या ये क्लाउड हो जाएगा बिल्कुल हैवी हो जाएगा उसकी वजह से क्या होती है उसकी वजह से क्या हो जाती है उसके वजह से बारिश हो जाती है उसके वजह से बारिश हो जाती है यही चीज वाटर साइकिल कहलाती है यानी जल चक्र के नाम से जानी जाती है अब यही पूरी चीज मैं आपको एनिमेशन से समझाती हूं ठीक है यही पूरी चीज हम लोग एनिमेशन से समझेंगे देखो सूर्य की रोशनी जब सनलाइट होता है तो इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है, है, ना? जब होता है सूर्य की रोशनी यानी दिन के समय इवेपोरेशन बहुत ज्यादा तेजी से होता है ठीक है थोड़ा सा एनिमेशन को आ जाने दीजिए हाँ सूर्य की रोशनी आई क्या हुआ चीजें इवेपोरेट हुई हर जगह से जितने भी आपके वॉटर बॉडीज हैं तालाब है नदी है हर जगह से क्या होगा हर जगह से इवेपोरेशन होगा तो दो जगह से चीजें ऊपर जाएंगी दो प्रोसेस पहला प्रोसेस इवेपोरेशन और दूसरा प्रोसेस ट्रांसपीरेशन इवेपोरेशन पे होगा जितनी भी वाटर बॉडीज होंगी आपकी नदी नाले तालाब हर जगह से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन कहां से होगा पौधों में ट्रांसपीरेशन होगा है ना इससे क्या होगा इससे जो वाटर वेपर है इससे जो वाटर वेपर है जो जल वाष्प है ये ये क्या होगा यानी कि जल वाष्प ऊपर जाएगा ऊपर में चुकी तापमान कम है ऊपर में चुकी तापमान कम है टेम्परेचर कम है तो क्या होगा ये वाटर वेपर ये जल वाष्प किसमें बदल जाएगा जल कणिकाओं में बदल जाएगा जल कणिकाओं में बदल जाएगा जल कणिकाओं में बदल जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा, हां कंडेंसेशन इसको कहते हैं इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं ठीक है यस yes, लोकेश बिल्कुल सही लिख रहे हो बिल्कुल सही लिख रहे हो ठीक है So, तीसरी चीज क्या हो गई कंडेंसेशन अब कंडेंसेशन से क्या हुआ सारे के सारे सारे के सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे यानी कि जल कणिकाएं थी वो मिल गई वो मिलकर बादल के पास क्लाउड के पास आ गई इसके वजह से इसके वजह से क्लाउड क्या हो गया भारी हो गया मैं आपको आम भाषा में समझा रही हूं और यही यही जो क्या है यही वाटर ड्रॉपलेट्स बारिश के फॉर्म में नीचे आ गए यही वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गए बारिश के फॉर्म में नीचे आ गए ठीक है तो चौथा स्टेप कहलाता है प्रेसिपिटेशन 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 जिसको आप आम भाषा में बारिश कहते हो आम भाषा में इसको आप बारिश कहते हो या कई बार ओले पड़ना कहते हो ठीक है सो so ये पूरा चक्र हो रहा है पानी यहां से शुरू हो रहा था उसके बाद गिर कर यहीं पर आ रहा है तो ये पूरा चक्र चल रहा है ये पूरी साइकिल चल रही है ठीक है ये पूरा का पूरा चक्र चल रहा है ये पूरी की पूरी साइकिल ऐसे चल रही है सो इवेपोरेशन ट्रांसपीरेशन ये एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस कंडेंसेशन और तीसरा प्रोसेस क्या है प्रेसिपिटेशन ये पूरी चीज है आपकी वॉटर साइकिल क्लियर हो गया आपको जल्दी से बताएंगे क्लियर हो गया जल्दी बताइए क्लियर है ओके okay. डन आगे चले हम लोग आगे चले चल लास्ट पार्ट है इसका रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है आपका वो क्या है वो है आपका रेन वॉटर हार्वेस्टिंग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ठीक है कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है कि आप बारिश के पानी को स्टोर करते हैं है ना आप क्या कर रहे हैं आप बारिश के पानी को स्टोर कर रहे हैं यानी आप क्या कर रहे हैं आप जल संग्रहण कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं जल संग्रहण और कौन सा जल वर्षा जल का संग्रहण कर रहे हैं ताकि क्या हो ताकि क्या हो ताकि वाटर की कमी ना हो देखो एक यहां पे एक आप और स्टेप पढ़ोगे यहां पर आप एक और स्टेप पढ़ोगे जिसको कहा जाता है एक वर्ड पढ़ोगे जिसको कहा जाता है ग्राउंड वाटर। भूमि जल या भौम जल बहुत जगह लिखते हैं ग्राउंड वाटर है क्या ओके भूमि जल या भौम जल ये है क्या ये क्या कहलाता है देखो कुछ नहीं है कुछ पानी कुछ पानी सॉइल में यानी कि मिट्टी में भी मौजूद होता है है ना जब बारिश नीचे पड़ती है नीचे जो जमीन होती है जो मिट्टी होती है कुछ पानी जो है कुछ पानी मिट्टी के अंदर भी मौजूद होता है वही कहलाता है आपका ग्राउंड वाटर यानी कि भूमि जल अब ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर यानी कि भूमि जल जो है ओके ग्राउंड वाटर यानी कि भूमि जल का लेवल कम नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर क्योंकि अगर इसका लेवल कम हो गया अगर इसका स्तर कम हो गया तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पानी की संकट आ सकती है इसीलिए कभी भी ग्राउंड वाटर यानी भूमि जल को कम नहीं होना चाहिए यानी कि जो आपका यू समझे तो मिट्टी में जो जल है मिट्टी के अंदर जमीन के नीचे जो जल है वो कहलाएगा ग्राउंड वाटर ठीक है वो क्या कहलाएगा ग्राउंड वाटर अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दो तरीके हैं पहला तरीका क्या है पहला तरीका है कि इन्होंने देख रहे हो ये ठीक है च्छट से, से टैंक में, में आ जाएगा ठीक तो है, ये है पानी, बारिश पानी इस पाइप के माध्यम से इस टंकी में ये बारिश का पानी आ जाएगा ठीक है इस बारिश का पानी इस टंकी में जमा हो गया इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा इसके बाद चूंकि आपको पता है ये ऊपर छत से आ रहा है तो इसमें मिट्टी होंगी ये सारी चीजें होंगी तो इससे इसको आपको क्या कराना पड़ेगा फिल्टर कराना पड़ेगा इसको सफाई करानी पड़ेगी ठीक है दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका क्या है कि आपने इसी को जोड़ दिया कहां पर एक ऐसी जगह जहां पर सीधे ये पानी ग्राउंड वाटर में जाए एक तरीका तो है कि आपने यहां से फिल्टर लगा दिया है ना इस इस पानी को आपने लिया आपने उस पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल कर लिया दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है कि यहीं से एक दूसरा पाइप चला गया जो पानी को सीधे ग्राउंड वाटर तक पहुंचाएगा यानी कहने का ये मतलब है कि ग्राउंड वाटर को आप क्या कर रहे हैं ग्राउंड वाटर यानी भूमि जल को आप बिल्कुल एक स्तर पर बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है सो so, ये है आपका रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संग्रहण दिस इज नोन एज रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ठीक है क्लियर है आपको ये वाली चीज क्लियर है जल्दी से बताइए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सो अब अगर आप अपनी एनसीआरटी खोलेंगे तो चैप्टर नंबर नाइन और फोर्टीन आपका डन है ठीक है अब यहां पर हम दो चैप्टर के साथ बच गए हैं बायो का ओके okay, बायो के लास्ट के दो चैप्टर्स रह गए हैं आपके एक तो एयर और दूसरा गार्बेज इन गार्बेज आउट एयर यानी कि हवा और गार्बेज के बारे ठीक है ये दो चैप्टर्स हमारे बच गए हैं इनको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे तो कल हमारा सिक्स हंड्रेड का बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है कल हम छठी क्लास छठी कक्षा की जो बायोलॉजी वाली चीज है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सेवन स्टैंडर्ड में चलेंगे उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड ठीक है ओके क्लियर है यहां पे आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई हैं फिर हम लोग सेवन स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे तो अब हम लोग कल मिलेंगे अब कल मिलेंगे हम लोग और उसके बाद एन टी की हमारी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी सिक्स स्टैंडर्ड की चलिए ओके थैंक यू सो मच बाय बाय, गुड नाइट कल मिलते